हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी करेंगे क्लास 9th की, बेस्ड ऑन सर्कल। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है, सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। थ्री बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हैंड टू टॉक ईच अदर एज शोन इन द फिगर। मतलब ये तीनों खड़े हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिगर दोबारा भी बनाई हुई है जिसमें ए पी बी क्यू एंड सी आर मीडियंस। ये ए पी बी क्यू सी आर मीडियंस है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो आपको हमेशा याद भी रखनी चाहिए, कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड एंड मीडियंस आर सेम। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो एल्टीट्यूड होती है वो मीडियन होती है, मतलब मीडियन एल्टीट्यूड होती है। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये एल्टीट्यूड भी है, क्योंकि क्वेश्चन में मीडियन गिवन है और ये भी गिवन है कि ए बी बी सी और ए सी ये तीनों इक्वल है, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि जो सेंट्रोइड होता है, जहाँ पे तीनों मीडियन मिलती हैं, वो उस सर्कल का सेंटर होता है। एंड ये भी लिख देते हैं, सरकम सेंटर। सर्कम सेंटर का मतलब होता है ट्रायंगल के चारों तरफ जो सर्कल है उसका सेंटर, इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। मतलब जो सर्कम सेंटर है वो सेंट्रोइड भी होगा, यानी यहाँ पे हमारा जो जी है ये सेंट्रोइड है और ये सेंटर भी है, क्योंकि तो जहाँ पे तीनों मीडियन मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो इस क्वेश्चन में सेंट्रोइड जो है हमारा वो सेंटर भी है, ठीक है। तो अब ये बात अगर हमें पता होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ा आराम से कर पाएंगे। सबसे पहला पार्ट है लेंथ ऑफ ए जी। अब जैसे हमने बता दिया कि ये सेंटर है, तो ए जी रेडियस हो गई, तो ए जी की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ए पी की लेंथ कितनी होगी, देखो, ठीक है। एक बात और हमें पता होना चाहिए कि जो सेंट्रोइड होता है वो डिवाइड ईच मीडियन इन रेशियो 1:2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वी नो दैट सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन 2:1, यानी ये 2:1 है, ठीक है। तो जब ए जी 2 है और ए जी की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में ऊपर निकाल चुके हैं, 20 है, ठीक है। तो जीपी कितना होगा, ए जी रेशियो जीपी कितना है, 2:1, ए जी कितना है 20। तो क्लियर सी बात है, जीपी हमारा 10 होगा। 2:1 का मतलब 1 का डबल है, ये है ना, तो 10 है तो 20 होगा। तो जीपी की वैल्यू 10 हो गई और ये हमारी 20 गिवन ही थी ए जी, तो एपी कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी जी सी। बी जी सी कितना होगा, यहाँ पे कोशिश करते हैं यहीं पे हो जाए, थर्ड पार्ट है। एंगल बी ए सी 60 है, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 होता है, तो एंगल बी जी सी ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। डिग्री मेजर थ्योरम, किसी भी सर्कल में किसी कोण से सेंटर पे बनाया हुआ एंगल जो होता है वो अदर सेगमेंट के एंगल का डबल होता है। तो 2 × 60 120 डिग्री, यानी इसका ऑप्शन हो गया हमारा 120 डिग्री। और ए बी क्यू अब निकालना है, मैं ए बी क्यू ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ये एल्टीट्यूड है, या आप ऐसे कर सकते हो कि इन ट्राइंगल ए बी क्यू, तो
इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए बी क्यू। ए बी क्यू में ये एंगल 90 है, ये हमारा थर्ड पार्ट है ना। एंगल ए 60, ये वाला एंगल एंगल क्यू 90, तो एंगल ए बी क्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 180 हो जाएगा। ये ए प्लस इधर प्लस दिस, तो एंगल ए बी क्यू हो गया 30 डिग्री। तो यानी इसका आंसर हो गया 30 डिग्री। अब उसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ये निकाला था जी पी 10, ऐसे ये भी 10 होगा, और रेडियस 20 है ही, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन ट्रायंगल ए आर जी, ए आर जी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ए जी स्क्वायर इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस आर जी स्क्वायर। ए आर ए जी स्क्वायर ये 20 है हमारा, ए आर हमें पता नहीं है, और ये है 10 आर जी। ठीक है, तो यहाँ से ए आर स्क्वायर निकाल देंगे, 400 माइनस 100 300, तो ए आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 300, यानी 10√3। अब एक प्रॉपर्टी और याद होनी चाहिए सभी को कि इन किसी भी सर्कल से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोण को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोण बाइसेक्ट द कोण, इसका मतलब जो ए बी है वो कितना हो जाएगा, टू इंटू ए आर 20√3। क्या रीजन है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोण बाइसेक्ट द कोण। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर सर्कल्स का, बोर्ड एग्जाम के लिए भी। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।